हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रिक। आज हम लोग फ्यूल में, बॉयलर में जो फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल, गैस में जैसे कि बीएफ गैस, सीओजी गैस और पीसीएम जो यूज़ किया जाता है, तो उसके जो केमिकल कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं आज उसके बारे से देखेंगे एक एक कर करके, और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके कितने ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होगा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल पर यूनिट वेट और वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल। इट्स यूनिट आर किलो कैलोरी प्रति केजी या किलो कैलोरी प्रति लीटर और किलो कैलोरी प्रति न्यूटन मीटर क्यूब के बराबर होता है। यहाँ पर जो इसके पहले आप लोग को बताया था कि प्राइमरी फ्यूल जो है होता है वो क्या क्या रहेगा, वुड हो गया, लिग्नाइट, पीट कोल, अबिटुमिन्स कोल और एंथ्रासाइट जो कोल होते हैं, ये सारी चीज़ क्या हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी फ्यूल कहलाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो पिक्चर दिखा रहा है ये पीट कोल होता है, सेकेंड वाला लिग्नाइट, थर्ड बिटुमिन्स और फोर्थ एंथ्रासाइट कोल होता है। ये सारी चीज़ अलग अलग कंबशंस जो इसका जीसीवी है वो क्या रहेंगे, अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग रेट के भी पाए जाते हैं। जो पीट कोल होता है वो सस्ता होता है और जो एंथ्रासाइट कोल होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है वेरियस केमिकल ग्रेड ऑफ कोल। कोल को अलग अलग ग्रेडों में डिवाइड किया गया है उसके जीसीवी के अनुसार। जीसीवी के अनुसार ए ग्रेड का कोल मतलब कि सबसे अच्छा कोल माना जाता है इसको, जैसे कि एंथ्रासाइट कोल सबसे बेस्ट कोल होता है। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो लगभग 6200 किलो कैलोरी प्रति केजी के बराबर होता है। बी ग्रेड कोल का अगर बात की जाए तो ये रहेगा 5600 से 6200 किलो कैलोरी प्रति केजी, और सी ग्रेड का 4900 से लेके 5600 किलो कैलोरी प्रति केजी तक होता है। डी ग्रेड का वैसे ही 42 से 4940 किलो कैलोरी प्रति केजी के बराबर होता है। ई ग्रेड कोल का 3360 से लेकर के 4200 किलो कैलोरी प्रति केजी तक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एफ ग्रेड का जो कोल होता है ये सबसे लोएस्ट कोल है। इसका 2400 से लेकर 3360 किलो कैलोरी प्रति केजी तक इसका जीसीपी होता है। नेक्स्ट है जी ग्रेड का कोल। जी ग्रेड के कोल में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लाई एस होता है और इसमें जो हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है वो बहुत कम ही होता है, इसलिए इसका जो जीसीपी होता है वो क्या रहेगा, बहुत कम रहता है। ये 1300 से लेकर 2400 किलो कैलोरी प्रति केजी तक रखा जाता है। इधर से अगर ए ग्रेड की बात की जाए तो ए ग्रेड कोल का रेट जो है बहुत ज़्यादा होगा और जी ग्रेड के कोल का रेट बहुत कम हो रहता है और इसमें जीसीवी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। यदि हम लोग किसी कोल को जब जलाते हैं तो उसके लिए एयर की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, एक केजी को अगर जलाएंगे तो क्या होगा, तो अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए, अगर जिस कोल की जीसीवी अगर 5500 किलो कैलोरी प्रति केजी है, मान के चलो कि एंथ्रासाइट कोल के बराबर हो, तो उसका जो प्रत्येक केजी जब कोल को बर्न करेंगे तो वहाँ से कितना स्टीम जनरेट करेगा। जाहिर सी बात है कोई भी फ्यूल जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला होगा उतना अच्छा क्या कर सकता है, वो हीट रिलीज़ करेगा और वहाँ से बहुत जल्दी स्टीम में हम लोग कम से कम कोल का उपयोग करके या फिर फ्यूल का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से अच्छी क्वांटिटी का स्टीम बना सकते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं बर्निंग ऑफ कोल में। 1 kg ऑफ कोल नीड 6.62 मीटर क्यूब एयर इंक्लूडिंग 20% एक्सेस एयर। मतलब अगर जिसका जीसीवी 5500 किलो कैलोरी प्रति केजी होगा तो उस कोल को जलाने के लिए हम लोग को कम से कम 6.62 मीटर क्यूब एयर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ सेकेंड नंबर का देख लेते हैं। 1 kg ऑफ कोल जनरेट 7.73 मीटर क्यूब ऑफ फ्लू गैसेस आफ्टर कंप्लीट कंबशन।
जब भी कोल को यदि हम लोग जलाएंगे पूरा कंप्लीट कंबशन हो जाएगा तो वो कितना फ्लू गैस जनरेट करता है, 7.73 मीटर क्यूब फ्लू गैस जनरेट करेगा। नेक्स्ट है, अगर जी सी बी 5500 किलो कैलोरी प्रति केजी है उस कोल का, तो 1 टन कोल प्रोड्यूस 6.9 टन स्टीम। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन ऑन सी वी ऑफ फ्यूल, मतलब कि अगर सी वी के, ये क्या रहता है, कोल के सी वी पर ही डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा वो हीट रिलीज करेगा उतना अच्छा स्टीम जनरेट करेगा। तो यहाँ पर यदि जी सी वी यदि 5500 किलो कैलोरी प्रति के जी है, तो 1 टन कोल से हम लोग कितना 6.9 टन स्टीम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लास्ट फर्नेस गैस, जिसको शॉर्ट टर्म में BF गैस के नाम से जाना जाता है, ये क्या होता है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ आयरन ओर। मतलब जब भी हम लोग ब्लास्ट फर्नेस पर स्टील की मेल्टिंग करते हैं, तो स्टील को मेल्टिंग करने के लिए वहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है, कोक का उपयोग किया जाता है। और कोक को जब हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो वो क्या होता है, पूरी तरह से वो जलता नहीं है, और उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उसके द्वारा जो गैस निकलता है, वो क्या कहलाता है, ब्लास्ट फर्नेस गैस कहलाता है। इट इज़, इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं, इट इज़ पॉइजननेस, कलरनेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, हैवियर देन एयर एंड बर्न विथ ब्लू फ्लेम। मतलब जो BF गैस होता है वो क्या होता है, पॉइजनियस होता है, मतलब कि वो जहरीली गैस होती है, और वो कलरलेस होता है, कलरलेस मतलब कि रंगहीन होता है, तथा सुगंधहीन भी होता है। ऑर्डरलेस मतलब क्या होता है, सुगंधहीन गैस होता है, और साथ ही साथ में ये एयर से ज़्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से ये जब भी रिलीज़ होता है तो ये कहाँ आता है, हमेशा ग्राउंड में आके बैठ जाता है, ठीक है। मतलब कि ये हवा से भारी होने की वजह से ये नीचे एटमॉस्फेयर में जाने के बजाय नीचे आता है। बर्न विद ब्लू फ्लेम, और जब भी ब्लास्ट फर्नेस गैस जलता है तो वो क्या करता है, ब्लू फ्लेम जनरेट करता है, मतलब कि इसका जो फ्लेम रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लू कलर का हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लास्ट फर्नेस जो गैस रिलीज करता है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग जब भी स्टील मेल्टिंग करते हैं तब ये गैस क्या होता है, रिलीज होता है। रिलीज कैसे होगा, जब भी हम लोग उस पर कोल फीड करेंगे, फेरस ऑक्साइड और कोक को जब मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे से जो एयर यहाँ से दे रहे हैं, ये एयर इस कोक के ऊपर से गुजरता है, तो वो क्या कर देता है, यहाँ पर गैस जनरेट करता है। ये जो गैस जो जा रहा है, ये क्या है, ब्लास्ट फर्नेस का बाई प्रोडक्ट होता है, और इसे हम लोग ब्लास्ट फर्नेस गैस को गैस क्लीनिंग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से हम लोग बॉयलर में रीयूज़ कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस गैस, वो जो ब्लास्ट फर्नेस गैस जो रिलीज़ हो रहा है, उसमें डिफरेंट टाइप से कंपोजिशंस होते हैं, हर एक का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जनरली ये जो फर्स्ट मैं लिखा हूँ कैलोरीफिक वैल्यू, ये कंपोजिशन के अंतर्गत तो नहीं आता, बट इसको मैं लिख दिया हूँ अभी जानकारी के लिए आप लोग के लिए। तो जो कंपोजिशन होता है BF गैस का, उसमें BF गैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितना होता है, 850 किलो कैलोरी प्रति न्यूटन मीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू का मान है वो बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज जो होता है 27 से 30% होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इंसान इसमें 4 घंटे में 400 PPM पे यदि आप काम कर रहे हो, तो 8 घंटे से ज़्यादा काम कर दिए तो यहाँ पर आप बेहोश हो सकते हो, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत जहरीली गैस होती हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परसेंटेज, इसमें हाइड्रोजन का मान 1.5 से 2% तक होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं होता और ज़्यादा हीट जनरेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है मेथेन गैस, इसमें 0.3 से 0.57% तक रखा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मान 9 से लेके 15% तक रखा जाता है। नाइट्रोजन गैस का मान देखा जाए तो 55% से 58% तक रखा जाता है, और इसी में ऑक्सीजन जो होता है 0.5% तक होता है। एक्सप्लोसिव रेंज की अगर बात की जाए तो 40 से 70% तक की एक्सप्लोसिव रेंज होता है इसका।
नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी इसका 1.33 केजी पर न्यूटन एमएम क्यूब होता है, जिसकी वजह से हवा से क्या है भारी होता है। इसका जो फ्लैश पॉइंट है ये 700 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, मतलब कि इसका 700 से 750 डिग्री जब आता है तो ये क्या हो जाता है, फ्लैश पॉइंट जल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस गैस। जब भी हम लोग ब्लास्ट फर्नेस गैस को जलाते हैं तो उससे क्या क्या होता है देखते हैं। वन न्यूटन मीटर क्यूब ऑफ ब्लास्ट फर्नेस गैस नीड 0.82 न्यूटन मीटर क्यूब ऑफ एयर इंक्लूडिंग 15% एक्सेस एयर। मतलब एक न्यूटन मीटर क्यूब के बीएफ गैस को जलाने के लिए कम से कम हम लोग को 0.82 न्यूटन मीटर क्यूब का एयर चाहिए और साथ ही साथ में 15% का एक्सेस एयर होना चाहिए, मतलब कि इंक्लूडिंग एक्सेस एयर के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है, वन न्यूटन मीटर क्यूब यदि ब्लास्ट फर्नेस गैस को हम लोग जलाते हैं, गैस बीएफ गैस जनरेट्स कितना जनरेट्स करता है, बीएफ गैस फ्लू गैस कितना जनरेट करता है, 1.7 न्यूटन मीटर क्यूब का फ्लू गैस जनरेट करता है। साथ ही साथ में नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि हम लोग 1000 न्यूटन मीटर क्यूब या फिर वन टन ऑफ बीएफ गैस जनरेट्स 1 टन ऑफ स्टीम, मतलब कि 1 टन बीएफ गैस से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 टन स्टीम जनरेट कर सकते हैं। बीएफ गैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू का मान होता है वो कितना होता है, 850 तक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोक ओवन गैस। कोक ओवन गैस क्या होगा, दिस गैस इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कोक ओवन प्रोड्यूस ड्यूरिंग कोकिंग ऑफ कोल इन कोक ओवन बैटरीज। मतलब ये क्या होता है, एक कोक ओवन बैटरी होता है, कोक ओवन बैटरी में हम लोग क्या करते हैं, कोल को कोक बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कोक ओवन बैटरी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, इसको विदाउट एयर हम लोग क्या करते हैं, इस कोल को ओवन के बीच में, देखो यहाँ पर फ्यूल है और ये ओवन है, बीच बीच में क्या लगे रहते हैं, यहाँ पर ओवन लगे रहते हैं। ये ओवन क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है और ये यहाँ पर जो कोक बीच में फंसा हुआ है, इसको कोक जो फंसा हुआ है उसको क्या कर देता है, वो कोल को कोक में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि उसको फुलाने का काम करना, सीधी सी बात है, कोक कोयले को कोक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फुला देते हैं, बड़ा करना, छोटे से रूप को बड़ा करने का काम ही कोक कहलाता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, विदाउट एयर, यहाँ पर बिना एयर के हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, जिसकी वजह से वो कोक कोयला जो है कोक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब कोक में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके द्वारा जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, गैस जो रिलीज़ होता है, यहाँ से देखिए यहाँ पर जो गैस हम लोग ले रहे हैं, ये गैस जो रिलीज़ हो रहा है वो क्या करता है, बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, बिकॉज ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड मेथेन इट इज़ हाईली एक्सप्लोसिव, इट इज़ आल्सो कलरलेस एंड पॉइजनस विथ टाइपिकली स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नेफ्थलीन, इट्स डेंसिटी सो दैट इट इज़ लाइट देन एयर इट बर्न विथ येलो फ्लेम। मतलब ये क्या होता है, कोकवन गैस में हाइड्रोजन परसेंटेज और मेथेन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, हाईली एक्सप्लोसिव होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, इसलिए ये एक्सप्लोसिव ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में कोकवन गैस कलरलेस होता है और ये थोड़ा सा ख़तरनाक जहरीला गैस है, विथ ये क्या है, एक स्मेल आता है, हल्का सा अंडा का जो सड़ा हुआ रहता है वैसी स्मेल आता है, और ये जो स्मेल आता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड और नेफ्थलीन के कारण होता है। इसका जो कोक वन का डेंसिटी जो है एयर से कम होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। साथ ही साथ जब भी कोक वन गैस जलता है तो वो येलो फ्लेम जनरेट करता है।
यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं उसके। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सीओजी। सीओजी में डिफरेंट टाइप से कंपोजिशंस होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कैलोरीफिक वैल्यू देखिए यहाँ पर 42 से लेके 4600 किलो कैलोरी प्रति न्यूटन मीटर क्यूब होता है। बहुत ज़्यादा है, एक गैस में ये लगभग कोल से भी ज़्यादा, कोल तक मतलब कि इसका भी जिसे भी रहता है। साथ ही साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो 6 से 7% होता है। हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें देखिए बहुत ज़्यादा होता है, 55 से लेके 60% तक इसमें हाइड्रोजन होता है। और यही हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से क्या है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में मेथेन का जो परसेंटेज है ये 25 से 28% होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हैवी एक्सप्लोसिव हो जाता है। साथ ही साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड 2.3% होता है, नाइट्रोजन इसमें 6 से 8% तक होता है, ऑक्सीजन इसमें बहुत कम रहता है, 0.3% से 0.5% तक होता है। इसलिए इसको जलाने के लिए ज़्यादा एक्सेस एयर की आवश्यकता होती है। एक्सप्लोसिव रेंज की अगर बात की जाए तो ये बहुत जल्दी एक्सप्लोसिव हो जाता है, मतलब 6 से लेकर 30% में ही ये क्या हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी की वजह से, ये डेंसिटी इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, एयर के डेंसिटी से क्या हो जाता है, कम रहता है। ये कितना रखा जाता है, 0.46 केजी पर न्यूटन मीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर इसकी फ्लैश पॉइंट की बात की जाए तो बीएफ फर्नेस, बीएफ गैस से कम रखा जाता है। इसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 450 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड होता है। अगर हम लोग ब्लास्ट फर्नेस की, बर्निंग ऑफ कोक वन गैस की अगर बात की जाए, अगर ब्लास्ट फर्नेस कोक वन गैस को अगर जलाया जाए तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे से देख लेते हैं। यदि 1 न्यूटन मीटर क्यूब ऑफ कोक गैस नीड 5.01 न्यूटन मीटर क्यूब ऑफ एयर इंक्लूडिंग 15% ऑफ एक्सेस एयर, मतलब 1 न्यूटन मीटर कोकवन को जलाने के लिए आपको 5.01 न्यूटन मीटर क्यूबिक ऑफ एयर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें 15% कम से कम एक्सेस एयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 1 न्यूटन मीटर क्यूब ऑफ सीओजी जनरेट 6 न्यूटन मीटर क्यूब ऑफ फ्लू गैसेस, मतलब कि 1 न्यूटन मीटर कोकवन गैस कितना जनरेट करता है फ्लू गैस, 6 न्यूटन मीटर क्यूब जनरेट करता है। नेक्स्ट है 1000 न्यूटन मीटर क्यूब और 1 टन कोक वन गैस जनरेट 5.35 टन ऑफ स्टीम। बीएफ गैस की अगर बात की जाए तो वो 1 टन में 1 टन स्टीम जनरेट करता था, बट यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना रहता है, 42 हंड्रेड किलो कैलोरी प्रति केजी के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, वो उसका हीटिंग कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, 1 टन कोकवन गैस से 5.35 टन ऑफ स्टीम जनरेट कर लेता है। अगर इसके कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाए तो कैलोरीफिक वैल्यू इसका 4250 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। नेक्स्ट है पिच क्रियोसेट, क्रियोसेट मिक्सचर पीसीएम, पिच क्रियोसेट मिक्सचर्स पीसीएम। पीसीएम क्या होता है, इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कोक वन एंड कॉन्टेन पिच एंड क्रियोसेट ऑयल प्रोड्यूस इन टार डिस्टिलेशन प्लांट। टार डिस्टिलेशन प्लांट जो पिच होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, पिच और कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, कोक वन का ही बाई प्रोडक्ट है। जो कोक वन गैस रिलीज हो रहा है कोक वन से, वो क्या करता है, उस गैस को हम लोग कहाँ भेज देते हैं, सबसे पहले टार डिस्टिलेशन प्लांट में भेजा जाता है। टार डिस्टिलेशन प्लांट क्या करता है, गैस को क्लीनिंग करता है, और गैस को क्लीनिंग करने की वजह से इस पर क्या मिलता है, पीच और क्रियोसोट, क्रियोसोट ऑयल मिलता है, जिसकी वजह से उसको क्या कर देते हैं, आपस में दोनों को मिक्स करके हम लोग पीसीएम बना लेते हैं। ठीक है, दोनों का मिश्रण तैयार किया जाता है। तो ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है कोक वन का, और इसको कहाँ पर हम लोग फिल्टर करके निकालते हैं, टार डिस्टिलेशन प्लांट में इसका अलग किया जाता है। ये कोक वन बैटरी से निकली हुई गैस का बाई प्रोडक्ट होता है।
PCM कुछ इस तरह से लिक्विड होता है और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 10,200 किलो कैलोरी प्रति केजी के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेट भी कर सकते हैं आसानी से इससे। अगर पिच की बात की जाए, इसमें पिच का परसेंटेज जो रहता है वो रहता है 40-60% तक पिच रहता है और क्रियोसोट आयल का जो परसेंटेज होता है वो भी 40-60% तक इसको रखा जाता है आपस में। अगर विस्कोसिटी की बात की जाए तो विस्कोसिटी इसका 2.5-3.5% तक होता है। विस्कोसिटी का मतलब इसका जो फ्लूइडिटी है वो बहुत कम होता है। आसानी से अगर आप इसको छोड़ दोगे तो यह फैलता नहीं है। इसको इसके विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए जनरली हम लोग स्टीम का उपयोग करते हैं। स्टीम के साथ उसको मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उसका विस्कोसिटी का मान कम हो जाता है और आसानी से फैल सकता है, फिर उसको फर्नेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18% तक होता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर बर्निंग ऑफ PCM की बात की जाए कि PCM को बर्न करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो उसके लिए चलिए देखते हैं। फर्स्ट, 1 kg ऑफ नीड 13.4 न्यूटन मीटर क्यूब ऑफ एयर इंक्लूडिंग 20% एक्सेस एयर। देखो, ब्लास्ट फर्नेस के लिए भी हम लोग दे रहे थे, COG के लिए 15% दे रहे थे, लेकिन हम लोग को PCM के लिए 20% एक्सेस एयर की आवश्यकता होती है और 1 kg PCM को जलाने के लिए कम से कम 13.4 न्यूटन मीटर क्यूब एयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 kg PCM जनरेट 14.2 मीटर क्यूब ऑफ फ्लू गैसेस। अगर 1 kg PCM को हम लोग जलाएंगे तो वो कितना फ्लू गैस जनरेट करता है, 14.2 मीटर क्यूब फ्लू गैस जनरेट करता है, मतलब कि इसको हम लोग आईडी फैन को ज़्यादा चलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 kiloliter ऑफ PCM जनरेट 12.8 टन ऑफ स्टीम, मतलब कि 1 kiloliter अगर हम लोग PCM जलाएंगे तो सोचो इसमें कितना जनरेट होगा, 12.8 टन स्टीम जनरेट होगा। अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाए तो जो PCM की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 10,200 किलो कैलोरी प्रति लीटर के बराबर होता है। ये इतने ज़्यादा GCV होने की वजह से इससे हम लोग कितना 1 ton से ही हम लोग कितना 12.8 ton स्टीम जनरेट कर सकते हैं। ये जो सारे डेटा हैं ये एबो फिगर्स आर बेस्ड ऑन, अगर फीड वाटर का टेम्परेचर अगर 124 डिग्री सेंटीग्रेड हो और बॉयलर की एफिशिएंसी अगर 85.7% हो तब के कंडीशन में ये सब चीज़ जो अभी बताया वो सारी चीज़ लागू होते हैं कि 1 kiloliter में हम लोग 12.8 ton स्टीम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका फीड वाटर का टेम्परेचर 124 डिग्री होना चाहिए और बॉयलर की एफिशिएंसी 85% तक होनी चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।